So hello everyone, it's me Ankita Mehta and you watch a beginner guides and today's video is all about Lumi's method of drawing head. So इस वीडियो में हम लोग Lumi's method से कैसे हम लोग हेड को ड्रॉ कर सकते हैं वो उसके बेसिक्स को समझेंगे, ठीक है. सो मोर कॉम्प्लेक्स हेड्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हर टाइप के हेड को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगी, लाइक जिसको जो इसका पार्ट टू वीडियो होगी. और उसके अलावा आज तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को हम लोग समझेंगे. ये वीडियो सभी के लिए है, बिगिनर्स के लिए बेसिकली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर दिस, इफ यू आर इन माई चैनल और यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल लेट, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल. एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ से ज़रूर शेयर करें. और उसके अलावा लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें. और आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. और लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस हेड टाइप 1. सो इसमें जो ये हेड है वो कम्प्लीटली आपका राइट साइड की ओर को टर्न है. और इसमें मैंने जो पहले ही एक सर्कल ड्रॉ करके रखा हुआ है और अब मैं इसके अंदर दूसरा सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है. सो अब बेसिकली सबको प्रॉब्लम आती है जब हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं ना. सो अगर आपसे सर्कल ड्रॉ ना हो तो आप लोग किसी और चीज़ की हेल्प से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आपके पास कंपस है तो कंपस से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. सो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. और उसके अलावा मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ और इरेज करते करते बन गया जैसे तैसे, ठीक है. उसके बाद हम लोग इस जो दोनों सर्कल हैं, एक बड़ा और उसके छोटा सर्कल, उसका जो है मिडल हम लोग एक कॉमन सेंटर में मार्क कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद हम जो मिडल वाला जो छोटा वाला सर्कल है उसको हम दो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कट कर लेते हैं. सो एक टाइप ऑफ कट कहते हैं, तो इसको स्पेयर मान लेते हैं. और ऐसा मान लो कि हमने उस स्पेयर को बांध दिया है रबर बैंड से, सेंटर से और नीचे से और टॉप से, ठीक है. टॉप वाला पोर्शन को जो हम लोग बाद में हेयर लाइन ड्रॉ करेंगे और मिडिल वाला जहाँ पे हम आईब्रोज ड्रॉ करेंगे और जो नीचे वाला है वहाँ पे हम लोग नोज ड्रॉ करेंगे. उसके बाद मैं चिन मार्क कर लेती हूँ इक्वल डिस्टेंस पे नीचे और उसके बाद वो चिन जो होगी उसके बाद उसको चिन को अटैच कर लिया, ठीक है. सो हमें ये चीज़ ध्यान देने की है कि जब ये फेस हम ड्रॉ कर रहे हैं सो ये फेस क्या हो रहा है, एक कम्प्लीटली स्पेयर है, ठीक है. सो स्पेयर के फॉर्म में, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये मैंने ड्रॉ करके दिखा लिया कि स्पेयर है, ठीक है, स्पेयर के फॉर्म में. तो हम जिससे रबर बैंड टाई अप किया हुआ है, सो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट जो हम लोग हेयर लाइन से जो कि आईब्रोज तक है और आईब्रोज से नोज तक सेकेंड लाइन और सेकेंड से फिर जो थर्ड पार्ट है वो है नोज से चिन तक, ठीक है. तीन पार्ट में इक्वली डिवाइड होता है. और उसके बाद आप इसमें बाकी एक्सेसरीज ड्रॉ कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए ड्रॉ करके बता रही हूँ. सो बाकी जो प्रॉपर ड्रॉ करके और शेडिंग के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको ड्रॉ करके बताऊँगी. बाकी यहाँ पे मैं बस एक जर्नल आइडिया के लिए आपको ये बता रही हूँ, ठीक है. सो उसके बाद मैंने नोज़ ऐड किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिप्स ऐड किए और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको चेन को भी शेप दे दिया, ठीक है. सो फर्दर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है करके और आप उसके बाद आप और हेड भी ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है. सो उसके बाद हम लोग हेड टाइप 2 को अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो हेड टाइप 2 में हम लोग जो ये हेड देख रहे हैं वो स्लाइटली फ्रंट की ओर को टर्न है. सो इसकी वजह से जो स्पेयर है वो पीछे की ओर को चला गया है, ठीक है. जो मिडिल वाला जो स्पेयर है वो पीछे की ओर को चला गया है, ठीक है. और कॉर्नर की ओर को वो हमें दिख रहा है, ठीक है. सो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो लाइन वैसे सेम हमने लाइन ड्रॉ करा और उसके बाद हमने जो आईज़ है, आईज़ वाला जो सेंटर से हमने रबर बैंड उसमें टाई किया जो कि आईज़ वाला पोर्शन हो गया. उसके बाद नीचे से हमने किया तो फिर वो नोज़ वाला हो गया. एंड इसके बाद हमने चिन मार्क करके उसको चिन को चिन तक हमने लाइन्स को अटैच कर लिया, ठीक है. सो ये एक आयरन मैन के हेलमेट जैसा शेप दे रहा है आपके हेड को, ठीक है. और उसके बाद जो ये वाली लाइन है यहाँ से हम इसको जॉ को अटैच कर लेंगे, ठीक है. सो ये एक जनरल आइडिया है आपको हेड को कैसे ड्रॉ करते करके. और फर्दर आपको प्रॉपर मैं इसके पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी. सो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. और अगर हेल्पफुल लगी है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ से ज़रूर शेयर करें. और उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय.